एक वीकेंड शो है, वीकेंड है, एनर्जी से भरपूर ऑडियंस है, यंगस्टर्स हमारे साथ मौजूद है और कुछ करना भी है तुम लोगों ने फ्यूचर में या बस यही करते रहना है, तालियां बजाते रहना है? हाँ करना है कि नहीं? करना तो है, कुछ करना है, कुछ बनना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है। अच्छा ये जब मैं कॉलेज के जमाने में थी और यूनिवर्सिटी जमाने में ना, ये सुन सुन के बंदा ना दिमाग का दही हो जाती थी कि यार अपने पैरों पे खड़े होना। तो मैंने एक दिन कह दी, मैंने कहा मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ और कितना खड़ा होना है मैंने। तो तुम लोगों को भी सुनने को तो मिलता होगा, लेकिन जहां पे बात आती है पढ़ाई की, जहां पे बात आती है स्ट्रेस की, जहां पे बात आती है जिम्मेदारियों और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, वहां पे अपने लिए भी कुछ वक्त निकालना बनता जरूरी है, बनना जरूरी है कि नहीं अपने लिए वक्त निकालना? तो आज वीकेंड शो पे कुछ खास होने वाला है, कुछ हटके होने वाला है। म्यूजिक का शो है, म्यूजिकल इवनिंग होगी। मैंने ये सोचा कि म्यूजिक एक ऐसा जरिया है नाजरी कि हर कोई कनेक्ट करता है म्यूजिक से, चाहे यंगस्टर्स हों, चाहे बड़े हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे बच्चे हों, हर कोई रिलैक्स करने के लिए या थोड़ा सा अपने मूड को चेंज करने के लिए, पॉजिटिव करने के लिए, खुश होने के लिए, अपनी टेंशन और स्ट्रेस को दूर करने के लिए, एंजाइटी को दूर करने के लिए म्यूजिक सुनता है। तो आज होगा म्यूजिकल शो, तो क्या आप लोग तैयार हैं? चलिए इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आई लव योर पिंक कलर, व्हाट्स योर नेम? बख्तावर फातिमा। बख्तावर आप क्या करते हो? मैं स्टडी और उसके बाद अगर मैं बोर फील कर रही हूँ तो मैं म्यूजिक बहुत शौक से सुनती हूँ। मुझे क्यों लगता है कि तुम्हारे अंदर एक तड़पती हुई रूह है और तुम मतलब बहुत घर को जो है ना तुमने उंगलियों पर नचाती होगी, ऐसा? आप बिल्कुल ठीक कह रही है। क्या करूं, मेरी ऑब्जर्वेशन बहुत सही होती कि मैं खुद घबरा जाती हूँ। अच्छा कौन सा म्यूजिक सुनने का शौक है? सोलो भी, फास्ट भी। अच्छा किस्म का। और पाकिस्तानी कौन कौन से सिंगर्स तुम्हें पसंद है? आतिफ असलम, सारा रजा, राहत फतेह अली खान, नुसरत फतेह अली खान, यानी सारे पाकिस्तानी मोस्टली जो अच्छे टैलेंटेड सिंगर है ये। और ऐसी बहुत सारी मौज मस्ती और ऐसी बहुत सारी बातें जब ऑडियंस आपकी इतनी एनर्जेटिक हो, दिल करता है बात करने का और आपको अपने कॉलेज का जमाना याद आ जाता है। लेकिन बात हो रही है एनर्जी की, तो मेरी जो आज की मेहमान शख्सियत है, इफ आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट हर, मैंने इसको खुद अपनी आंखों के सामने विटनेस किया है ग्रो करते हुए, एक्सेल करते हुए, अपना एक नाम, अपना मकाम बनाते हुए, अपने पैरों पे खड़ा होते हुए। और अगर मैं इसके टैलेंट की बात करूं, इसके फन की बात करूं, आपने देखा होगा कि सिंगिंग की जब बात आती है तो बहुत बड़े बड़े घरानों के चश्मो चिराग अपने आबाओ अजदाद का और अपने अपनी फैमिली का नाम आगे लेकर बढ़ते हैं, लेकिन ये उन चंद ऐसी सिंगर्स में से है या चंद ऐसे गुलकारों में से है कि जिसका किसी क्लासिकल मौसीकी या किसी घराने से, सिंगिंग से रिलेटेड घराने से नहीं ताल्लुक था, लेकिन इसने अपने फन के जरिए ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर अपना नाम बनवाया। एंड शी इज अ ग्रेट पर्सन बाय हार्ट। और ये इतनी सी थी और इस तरह करते करते आप मेरे कंधे तक आ चुकी। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि मैं बूढ़ी हो चुकी हुई हूँ, लेकिन इसका ये मतलब है कि ये बहुत टैलेंटेड और जल्दी इसने जो है पिकअप चीज़ों को किया। इसकी अगर हम फिल्म की सिंगिंग की बात करें, अवार्ड्स की बात करें, ड्रामों की ओएसडी की बात करें, अभी बैक स्टेज में बता रही थी 100 से ज़्यादा इतने ड्रामों के ओएसडीज गा चुकी है। और अगर ट्रिब्यूट्स की बात करें जो बड़े बड़े सिंगर्स को दिए, आई थिंक शी इज डन इट ऑल। और आज हमने इनसे करनी है गपशप और होगी मौज मस्ती, तो क्या आप तैयार हैं? Alright, so without any further delay, please put your hands together for the one and only Sara Raza. La 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 तुझको
आँखों में खेलूं, शाइने पे तेरी सुल्फे बिखेरूं, सुल्फे बिखेरूं, ये नर्म गे शराबी तेरे लिए गुल को महकना, मेरी अदाए तुझको बुलाए, सब नाज मेरे अंदाज मेरे तेरे लिए, तेरे लिए महकी फिजा गाती हवाएं, बहके नजारे सारे के सारे तेरे लिए हैं, तेरे लिए हैं। मेरी बहुत प्यारी सहेली, मेरी बहुत प्यारी दोस्त, आप सबकी फेवरेट सारा रजा मौजूद है। कैसी लगी सारा की परफॉर्मेंस? कैसे इकट्ठे जो है ना सबने, सारा अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच, इतनी प्यारी ऑडियंस आपने जमा की है अपने साथ। बहुत प्यारी है ना, पर दो रोज तो बहुत ही प्यारी है। अच्छा सारा, लेकिन तुम नीचे भी फ्रंट बड़ा नीचे भी। अच्छा मुझे बताओ, छोड़ दो इनको, अपनी बात करते, मेरी बात करते, इतना चेंज आया हुआ तुम में और इतना पॉजिटिव चेंज आया, मतलब एक सेकंड ना जरा खड़ी हो ना, तुम माइक छोड़ दो, तुम आज जरा माइक कैसे छोड़ दो, मतलब लुक एट यू, तुम एक तो पतली हुई भी हो, बाल तुम्हारे, तुम्हारी स्टाइलिंग क्यों भाई, आपको अच्छी लग रही है, क्लैप पता चलेगा, मतलब लुक एट यू, यू आर मेकिंग मी ब्लश नाउ, इट्स जस्ट द स्ट्रेट कट, सीरियसली मैं बिल्कुल ऐसी हूं। नहीं नहीं वाकई में, और मेरा दिल कर रहा मैं झूमती रहूं इस तरह तुम्हारे साथ, ऐसे ऐसे ये नहीं, लेकिन तुम वाकई बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू सो मच। हां सीरियसली, और पता है मुझे, तुम पहले करती रहो ना गोल गोल गुंजा, ऐसे दिल कर रहा आज मेरा, ऐसे शरारत वाला मूड क्या हो रहा है, मुझे एक बात बताओ, लेकिन एक जब वक्त में जो एक दफा दोबारा, हां ऐसे ये ना, ये अच्छा लग घूम जाएगा, लेकिन इस तरह होना चाहिए या उस तरह होना चाहिए, उस तरह जिस तरह इस तरह, हां इस तरह। अच्छा वो तुम एक जमाने में बनाया करती थी वो पफ्स वगैरह, और वो तुमने देखो उससे जान लंबे हो गए, लंबे हो गए, काटे नहीं है ना, लंबे हो गए, और वो फूल झूल भी लगाती थी तुम, वो मेरे पास अभी भी है। नहीं, लेकिन तुम क्यों लगाती थी, मेरी हमेशा तुमसे शिकायत होती थी यार तुम इतनी छोटी हो बड़ी लगती हो, जो दिल करता है वो करना चाहिए बस, अभी आज दिल नहीं किया तो नहीं किया, लेकिन तुम बहुत प्यारी लग रही है, अच्छी लग रही है, अरे चक्कर से आना शुरू हो गए, इसीलिए मैंने कहा था एक चक्कर उल्टा भी, एक उल्टा आ जाए जी, एक हो जाए। अच्छा तो आजकल क्या हो रहा है मुझे ये बताओ। आजकल ये हो रहा है कि चक्कर तो मेरे बहुत लगे हैं दिसंबर में, यहाँ वहाँ भालपुर ये वो, उससे पहले कुछ कोरिया चाइना, और फ्लाइट भी बड़ी लंबी होती है जगहों की, इतना ट्रैवल किया कि एयरलाइंस वाले तंग आ गए, मे बी दैट इज द रीजन ऑफ वेटिंग लॉस, है ना, हाँ वाकई में पता चल रहा है, छोड़ना नहीं है, मैं तुम्हें आज इसी तरह पकड़ के, थैंक यू, तो तुम्हें आज मैंने बहुत ज्यादा, बड़ी मेहरबानी, घुरी आती है वैसे, गुस्सा आता है तुम्हें? बहुत आता है सारा, मैंने तुम्हें गुस्सा करते हुए देखा नहीं वैसे, लिटरली प्लीज आस्क एनी रिमेंबर दे विल टेल यू, सीरियसली क्या किस बात पे गुस्सा आता है? सिर्फ तब जब कोई म्यूजिक को और मेरी नीड्स को ना समझ पाए। अपने दिल का बोझ अगर हल्का तुमने करना हो तो किसके साथ शेयर करती हो, डिस्कस करती हो? क्योंकि मुझे लगता है तुम्हारी फ्रेटर्निटी के अंदर तुमने दोस्ती नहीं इतनी ज्यादा किसी से भी की हुई, ज्यादा इतनी मेरे कोई दोस्त ही नहीं बनता, आप लोग बस मुझे स्टेज पे मिलते हैं, बाद में कोई मिलता ही नहीं है यही, मतलब आगे गोलियां कराना शुरू कर दोगी तो अगले कोई भी होगा तो डरेगा तो सही? नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, दिल की है दोस्ती करने को कभी किसी के साथ, होती ना आपकी अपने फ्रेटर्निटी के दोस्तों में, अपनी फीमेल सिंगर्स के कॉलीग्स के साथ के यार हेलो हाय हो अच्छा गपशप लगे, तुम्हारी नहीं है ये मुझे पता है। फीमेल सिंगर्स मुझे अच्छी लगती है, फरिया जी मुझे बड़ी अच्छी लगती है, मैं सलाम दुआ सबसे है मेरी,
लेकिन कोई बाद में वाकई मेरा इतना मिलना जुलना नहीं है, क्योंकि मेरा ज्यादातर जो टाइम है वो या तो मैं घर पे चुप रहती हूँ और बातें मैं करती हूँ बहुत ज्यादा मामा के साथ, और एक मेरी कुछ दोस्त अहबाब हैं, मेरी दो दोस्त हैं, वो खुद बिजी इतनी होती हैं तो उनके साथ बात करती हूँ। लेकिन पता क्या होता है, अभी लास्ट दिसंबर में, अभी ये जो दिसंबर गुजरा है, नवंबर दिसंबर इतना बैक टू बैक इवेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह थे कि मैं थक गई थी, और जब भी मैं शो से आती थी तो चुप, मतलब घर में मैं आप कभी हंसेंगे मैं विस्पर करके बात कर रही थी, ये पानी पकड़ा दो इस तरह करके, बिकॉज वी हैव टू सेव आवर थॉट, ये चीज और वाकई में करना पड़ता है, बड़ी मेहनत का काम है। अच्छा, अगर बहुत ज्यादा खुश हो, दिल का बोझ हल्का करना हो तो कहका लगाती हूँ, बहुत कैसे कहका लगा, ऑडियंस कहका लगाना आता है आप में से किसी को, करें जरा कहका लगाएं, ये तुम जो हो ना तुम बहुत अच्छा कहका, इधर आए ना जरा आप, आ जाए पिंक शर्ट वाली आ जाओ, तो इतनी तड़ी से मतलब मुझे डर लग रहा है इनको देख के, आ जाए जी माइक दे जरा, सारा क्लैप हो जाए भाई, वो चश्मे वाली जेलस है आपसे, मैं बता रही हूँ, आप इधर बैठी इधर, हाँ कहका लगाओ जरा जोर का जल्दी से, गिर ना जाओगे, हाँ चलो हाँ बताओ कहका लगाओ जोर, हाँ समझो कि तुम्हें अगले बंदे पे इतनी हंसी आ रही है कि तुम नोट होट हो रही हो, ऊंची जोर का कहका लगाओ, जोर का सोचो तुम्हारी होने वाली सांस है उसको देख के तुम्हें बहुत हंसी आ रही है, कहका लगाओ, इसमें बिल्कुल हंसी नहीं आएगी। अच्छा हंसते हंसते रोना शुरू कर दो, जिससे पागल नहीं होते हैं वो करो, हाँ अच्छा जी जीती रहो खुश रहो। अच्छा पर सारा आपके अगर हम करियर की बात करते हैं, ओएसटीज की बात करें, फिल्मों के गानों की बात करें ना, ड्रामों के ओएसटीज गाना बड़ा मुश्किल काम होता है और ये मंझे हुए सिंगर्स गाते हैं, तो तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, लेकिन चूंकि मैं जैसे आप कह रहे हो ना, मेरे अंदर जो मेच्योरिटी है ना, एक्चुअली दैट इज मे बी द रीजन ऑफ नॉट हैविंग दोज मच फ्रेंड्स ना, इतना सर्कल में भी नहीं है, और लोग शायद समझते हैं कि ये थोड़ी रिजर्व्ड सी है, थोड़ी खामोश है, उसका रीजन ये है कि यार आई वाज लाइक 9 or 10, तब मुझे साहिर अली बग्गा भाई ने जो ओएसटी गवाया था वो था उनके साथ राहत फतेह अली खान साहब के साथ, राहत फतेह अली खान साहब के साथ था, खुदा जमी से गया नहीं है, बड़ी हाई पिच पे और बड़ा एक सैड, उसके बाद चुनरी था, तो वो जो फील हम गानों की उसमें इतनी गहराई होती है उस डेप्थ की वजह से, और मे बी इतना बैक टू बैक काम की वजह से आपके अंदर थोड़ी सी ना वो आ जाती है, थोड़ा आप संजीदा हो जाते हो, लेकिन एट टाइम्स जब काम नहीं होता आप फारिग होते हो तो फिर आप बिल्कुल ऑपोजिट, तुम मिस नहीं करती हो कि शायद तुम्हारी उम्र की बच्ची? मुझे बड़ा मजा आता है गाना गाने में, उस वक्त मुझे सिर्फ गाना गाने की वजह से मैं शाम 6 बजे से लेके अगले दिन सुबह 6 बजे तक पूरी एपिसोड रिकॉर्ड करवा देती थी, सिर्फ इस चक्कर में कि मेरे 2 गाने हैं बीच में, क्रेजी म्यूजिकल चाइल्ड, तो उस वजह से। पहला गाना कौन सा गाया तुमने? पहला गाना फिल्म के लिए या कोई भी नॉर्मल, पहली मतलब जब जिंदगी में गाया किसी भी स्टेज के ऊपर परफॉर्म किया तो कौन सा गाना था? वो भी बड़ा ऑपोजिट था, मतलब उस वक्त के हिसाब से कि स्कूल गोइंग बच्ची, और मुझे जो गाना पसंद था वो थी गजल, हरचंद सहारा है तेरे प्यार का दिल को, गजल ही गाना रहता है मगर एक अजब खौफ सा दिल को, दैट वाज द फर्स्ट सॉन्ग आई एवर सॉन्ग। एंड हाउ ओल्ड वर यू? आई डोंट नो, हार्डली 6-7 मेबी, 6-7 इयर्स ओल्ड, और गजल कुछ गुनगुनाओ हम आपसे लाइव थोड़ा सा जरा, एक पहला ये मामा का फेवरेट था ना, इस वजह से मुझे आंटी का था। हाँ आंटी, आपकी मेरी चॉइस मिलती है बहुत ज्यादा, ये मैम नगीरा नूर मेरी बड़ी मुझे बहुत पसंद है, एंड शी इंस्पायर्स मी अ लॉट, शी इज वेरी सिंपल माशाल्लाह, बट पता नहीं अब गाते नहीं है, बट शी इज गॉट अ ब्यूटीफुल पर्सनालिटी एंड वॉइस। सहारा है तेरे प्यार का दिल को, हर चंद सहारा है तेरे प्यार का दिल को, रहता है मगर एक अजब खौफ सा दिल को। इसके एक बड़ा खूबसूरत शेर है, वो आए तो हैरान वो जाए तो परेशान, वो आए तो हैरान वो जाए तो परेशान, यार कोई समझाए ये क्या हो गया दिल
अदालत में ले जाओ, ड्राइंग रूम में सजा दो। तुमने रात को अगर कोई तुम्हें लगे मशकूक हरकत हो रही है, मामा के बगैर कहीं। आंटी आंटी आप भी चलेंगी साथ? हाँ भाई ठीक है, चने खाएंगे मिलके, बड़ा मजा आएगा। आप खाना नहीं खाती? नहीं मैं नहीं खाती, क्या करूँ, खाना नहीं पसंद। तुम्हारी घड़ी बड़ी पसंद आ रही है, क्या करूँ, घड़ी बदले अगले चंक में। अभी गाना सुनते हैं, गाना सुनने के नहीं या घड़ी बदल ले, घड़ी बाद में बदल ले, घड़ी बाद में गाना खेले। हमारे साथ ना ऑडियंस में कुछ ऐसे नौजवान मौजूद हैं कि जो गाने का शौक रखते हैं। कितने लोग रखते हैं, हाथ खड़ा करके बताएं। ढाई, मतलब मैंने इतनी पुरजोश तरीके से कहा, सिर्फ डेढ़ एक हाथ खड़ा हुआ। अस्सलामुअलैकुम, क्या नाम है आपका? हाशिम अजीम। थोड़ा ऊंचा बोले। हाशिम अजीम। अच्छा, सिंगर, गाने का शौक है आपको? जी। कौन सा गाना सुनाओगे? होना था प्यार, हो गया। हालात से तो भाई तुम्हारी यही लग रहा है, शक्ल से हो के गुजर भी गया तभी ऐसी हालत है। जी सुनाए। प्यार हुआ मेरे यार, हो ना था प्यार हुआ मेरे यार, आए नजर बन के पहा, हो ना था प्यार सारा। बुरा नहीं है वैसे,
नहीं नहीं अच्छा वोकल टोन है, बस थोड़ा सा रियाज लिटरली है ना, थोड़ी सी किसी की गाइडेंस मिल जाए तो। तुमने सुबह मेरे से मशवरा मानो, ये तुम्हें सीधे अल्फाज में मैं तुम्हें बताती हूँ, सुबह 5 बजे जब कुकर कैं कैं कर रहे होते, तुमने एक टांग पे खड़े होना रोज, नहीं नहीं एक घंटा, एक घंटा खड़े हो गए तुमने पक्के सिंगर बन जाना। ये सारा ये भी तो होता है ना कि कोई सीखना चाहे तो सीखता है, कई ऐसे होते हैं जो नहीं सीखना चाहते, उनको जितने भी लोग सिखाएं वो नहीं करते हैं, वो लकीर के फकीर होते हैं। बट आई थिंक यू वन ऑफ दोस कि जिसने जहां एक्सेल किया। अच्छा एक मुझे बात बताओ, अब तुम्हारे अगर जॉनरा की बात करते हैं, अब आप मखसूस नहीं आपका जॉनरा कर सकते कि यार सारा रजा अच्छा वो तो क्लासिकल गायक है या फोक सिंगर है या पॉप है या रॉक है या फ्यूजन है, आई मीन यू कैन सिंग एवरीथिंग एंड एक्सेलेंटली आप उसको हैंडल करते हो, तो मुझे बताओ जरा स्टाइलिंग का उसमें डिफिकल्टी नहीं होती, क्योंकि होता ये कि क्लासिकल सिंगर हो तो यार उसकी अटायर कुछ और होता है, रॉक पॉप हो तो खातून कुछ और कर सकती है, तो तुम कैसे करती हो? बेसिकली आई कंसिडर माई सेल्फ एज ए प्लेबैक सिंगर। ठीक है, प्लेबैक सिंगर वो होता है जो हर जॉनर गा सकता है। ठीक है, इफ यू फॉर एग्जाम्पल देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स इन द वर्ल्ड, और हम यहाँ पे अगर देखें तो मैडम नूर जहाँ से बड़ा वर्सेटाइल सिंगर हमें पाकिस्तान में, यू नो इट्स वेरी वेरी हार्ड टू फाइंड, है हमारे पास बहुत सारी लेजेंड्स हैं, ज़ुबैदा खानम जी ने भी बड़ा, लेकिन जो मैडम के डिफरेंट जॉनर्स थे ना, स्टार्टिंग फ्रॉम गजल और पूरा एक जो बहुत ही गूढ़ा और रचा हुआ क्लासिकल वो भी, और फिर पंजाबी जो माही आवेगा, सोनेरी तवीतड़ी, और इस तरह से डिफरेंट जॉनर्स भी उन्होंने गाए, तो जरूरी नहीं था कि वो पेंट शर्ट पहनती और ना उन्होंने पहने। ठीक है, तो आई आइडियलाइज पीपल जिन्होंने अपने काम से दुनिया को मनवाया है, ना कि अपनी अपीयरेंस से। और तुम्हें कभी किसी ने कहा नहीं कि यार विजुअली भी तुमने अपना एक सेट रखना है स्टैंडर्ड के, यार इस तरह मैंने तैयार होना है, प्रेजेंटेशन अपनी रखनी है? विजुअली हमें ये जरूर हमेशा कहा जाता था जब कॉम्पिटिशन्स में भी, और एक स्टाइल दिया जाता था, दैट लास्ट जो मैंने कॉम्पिटिशन किया उसमें दे गेव मी अ लुक ऑफ प्रिंसेस विद लॉन्ग गाउन्स एंड यू नो, तो एक लुक आपको दिया जा सकता है, लेकिन कंसिडरिंग ये कि जितनी माशाल्लाह बच्चियाँ आई हुई हैं तो इनके एज ग्रुप के हवाले से प्यारा लगना जरूरी होता है, बट आई गेस इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल एक लकीर होती है बिटवीन वल्गैरिटी एंड यू नो बीइंग मॉडर्न। तो मॉडर्न लगो, अच्छे लगो, प्यारे लगो, लेकिन वल्गर लगने की डोंट टच दैट लाइन ऑफ वल्गैरिटी। और वो तुमने वो लाइनर्स एंड वो टिपिकल सिंगर्स वाला जो टिपिकल सिंगर्स की हमारी एक वो छाप है वो तुमने हट के की, और ये पता है ये स्टाइल तुम्हें बहुत अच्छा लग गया, बहुत अच्छा। बल्कि ये मैं सोच रही थी कि अब घड़ी बदलने का वक्त, ऑडियंस आ गया कि नहीं? मैं चाहूंगी कि ये इतनी पुरानी घड़ी है सच में, आप मुझे अपनी महंगी घड़ी के साथ क्यों? चलती नहीं है इसलिए मैं दे रही हूँ। ओह माय गॉड, चलती नहीं है ये, आपस की बात है। ये मुझे बताओ कि ये जो लास्ट तुम्हें तोहफा था किसने, अम्मा ने दिया लेके? नहीं नहीं, ये तोहफा जो था ना, मेरे कुछ फैंस ऐसे हैं जिनको मेरे घर का ना भी पता हो तो पता नहीं कहाँ कहाँ से गिफ्ट जो है ना वो पहुँच जाते हैं। क्या फैंस देते हैं ये देखें ऑडियंस, कितनी बड़ी है, ये देखिए जी कैसी है, लग रही है अच्छी के नहीं? अच्छा तो क्या फैंस ने क्या दिया मुझे ये बताओ? फैंस जो है ना, जो फेक हमारी प्रोफाइल्स है ना, वहाँ पे तो लोग उनसे आईफोन्स भी निकलवा रहे थे, मैंने इतना नहीं कुछ किया, ये रिंग मैंने खुद बनवाई थी माशाल्लाह। कौन सी रिंग? ये, अच्छा ये असल है? यस। वाओ, इट्स इविल आई। अच्छा, ये लड़कियों वाली बातें आप स्टेज पे कर रही हैं, वो लड़कियां जो है ना आपको छोड़ेंगी नहीं। नहीं एक सेकंड, ये क्या है? Evil eye, Turkish evil eye, something like that. I don't believe in it, but still I like लेकिन it. लेकिन तुम्हें नजर और उससे लगता है कि वो? हाँ हाँ, मेरी मामा अभी भी कुछ पढ़ रही होंगी। अच्छा, आंटी मेरे लिए भी प्लीज, मैं आप छोले लाई हूँ आपके लिए, याद रखना आपने मुझे। नहीं लेकिन नजर से तुम्हें डर लगता है? हाँ। और तुम्हें लगता है कि नजर लगती है? नजर तो बलहक है। और तुम्हें, तुम पे कभी आंटी ने वारी है, वो मिर्ची होती है हमेशा, बल्कि अक्सर शोज, अभी लास्ट हमारा कल जो शो था, इट वाज लाइक मैंने तकरीबन 6-7 लैंग्वेजेस में गाया। अच्छा, बैक टू बैक। अच्छा, कौन कौन सी? क्योंकि मैंने चाइनीज, कोरियन, टर्किश, अरबिक, कौन से गाने, इंग्लिश, कौन से गाने एक ही गाने को मुख्तलिफ अंदाज़? नहीं नहीं नहीं, अलग अलग गाने गाए। अच्छा, उनके अपने? हाँ उनके, तुर्किश गाना गाया। या फिर टर्किश सुनाओ, टर्किश हम सुनना चाहेंगे थोड़ा सा, थोड़ा सा लाइव। बीर शारिक सनसन उमुर बुयो सुरजा दूदाक नरमदा यलर जा दुश्मन जे बीर शारिक सनसन ओ मोर बोयो सुरजा
तो एक लाइन में बताऊं तो इट्स लाइक कि चांद से तशबीह करते हुए अपने महबूब की तारीफ की है इस गाने में. और अब मैं आपको साउथ कोरियन एक एक लाइन आपको ऐसे सुनाऊं. Ari rang khoge ro nyu mogenda Nari ulbori go gasi nyu Nari ulkhoge ro nyu mogenda Ari rang Chinese scenario. Bama shun be liao yi xue dao dao Baba shen shu liao yi xiu hao fan Sheng hu de fan nao ken mama shuo shuo Kung su de xue qie shen baba tan tan मुझे लगता है तुम मुझे समझ तो नहीं. मुझे ये पता तुमने मुझे बहुत अच्छा कह रहे शर्म सी आ रही है मुझे ऐसा लग रहा है. नहीं, इट वाज़न्ट अबाउट यू एट ऑल. लास्ट जल्दी से लास्ट कौन सा सुनाओगी जबान पे? इंग्लिश सुना देते हैं फिर. सुना दो जल्दी से. माय फेवरेट सिंगर अडेल. बिल्कुल. There's a fire starting in my heart Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark Finally I can see you crystal clear Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare See how I leave it to every piece of you Don't underestimate the things that I will do There's a fire starting in my heart Reaching a fever pitch and is bringing me out the dark The scars of your love, they leave me breathless I can't help feeling that we almost had it all The scars of your love, they leave me breathless I can't help feeling we could have had it all हमारी महफिल को 6, 8, 12 चांद लगाने के लिए मेरी प्यारी सहेली सामिया खान म्यूजिक. अस्सलामुअलैकुम. जीती रहो. कैसे हो? अस्सलामुअलैकुम. कैसी हो? सारा बड़े अरसे के बाद देखा, इतनी प्यारी चेंजेस हैं. अरे बहुत शुक्रिया. मैं तो आज मेरा ख्याल है ढेर सारा खाना खा जाऊंगी घर जाके. इतनी तारीफें पहले नहीं करती. नहीं सामिया, पतली लग रही है ना. यूज किया है और माशाल्लाह मेकअप में भी बड़ी ग्रूम हुआ है. मॉडर्न एंड नाइसेस बाल 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 बताएं जरा. बाल भी बहुत अच्छे लग रहे हैं. बहुत शुक्रिया नवाज. तो लड़की बदली बदली सी. अरे यार, अरे अच्छा चलिए. मैं कह रही हूँ तुम्हें. मैं बताऊँ. अच्छा सामिया, ये इन्होंने दुआओं में याद रखिये. सारा मुझे दिखाओ जरा इस तरह क्लोजअप करके. ये कह रही थी कौन सा बताओ, आप बताओ क्या करेंगे. इविल आई.
Evil Eye. Haan. Haan. Wo ek haan, hota look, Turkish bahut Turkish so this is for belief actually. I don't believe in it. I just liked it. Somehow, नहीं अब मुझे भी अच्छी लगती है लेकिन I don't think so कि ये purpose पूरा करती है. Self defense और evil eye से safety के लिए सिर्फ अल्लाह पाक ने जो सूरतों का तोहफा दिया है ना. Actually, इसके ऊपर ना माशाल्लाह लिखा हुआ था. That is the only thing that attracted me. लेकिन सामने जो stones वगैरह आप बताती हो सारा तुमने stones वगैरह पहने हैं कभी किसी ने suggest किया है तुम्हें? ऐसे तो नहीं वैसे ही पहन लेती लेकिन सामने स्टोन्स वगैरह जिस आपने भी स्टोन बचाता वो बचाता है स्टोन बचाता है वरना देखिए अगर अल्लाह मियाँ ने इतनी प्यारी चीज ये बनाई है और अल्लाह की बनाई हुई कोई चीज बेफायदा नहीं है आप देखो जड़ी बूटियों में से जो घास होती है हकीम उसमें से इलाज ढूंढ लेते हैं जड़ी बूटियों में से ना और वरना सूरत रहमान में देखिये तस्करा है और हमने तुम्हारे लिए याकूत और मरजान पैदा किए तो बेवजह कोई चीज नहीं दुनिया में पैदा हुई और ये अल्लाह की बनाई हुई चीज है अच्छा सारा वैसे तो मुझे बताओ कि तुम घरेलू टाइप तो नहीं मुझे लगती कुकिंग शॉकिंग करती वो भी आंटी बेचारी आंटी ये बहुत पैम्पर्ड बच्चा बिगड़ा आप नहीं चने खाए आप ये लोग मुझे धक्के मार के किचन से बाहर निकाल देते हैं आई कांट इवन स्टैंड देयर फॉर अ मिनट क्यों वो मैं थोड़ा खिलारा ज्यादा करती हूँ ना गंदा चाहती हूँ ज्यादा हाँ सही का जोर नहीं मुझे लगता चटकोरा बच्चा है चटकोरा तो डेफिनेटली आई एम है ना हाँ. और जो आपकी मैं वो देख रही हूँ आपको आपका स्टमक सेंसिटिव है और आपको अपने चटखोर पने पे थोड़ा नहीं, सा खट्टा बट्टा नहीं इतना हम खाते मिर्ची भी बहुत ज्यादा नहीं लेकिन जायका होना चाहिए ये नहीं कि खाना बेसुरा सा बना के लिए बेसुरा खाना तो आपको पता है ना फिर खाया नहीं जाता म्यूजिशियन सारा के बारे में कहना चाहूंगी कि सारा अपनी उम्र से 10 साल आगे सोचती है ना कि ये अपनी उम्र की नहीं है जो मैं इसके स्टार्स को रीड करती हूँ पहले भी प्रोग्राम किए मैंने आपने दो तीन दफा प्रोग्राम किए एंड यू वर वेरी राइट अबाउट मी सामिया सारा के लिए तो अगर जब सारा इंशाल्लाह सेटल डाउन करना चाहेगी और शादी के लिए तो मैं सेटल डाउन हूँ अपने घर सारा पहले भी प्रेडिक्शंस हुई आपके लिए और आज एक बात और कहना चाहूंगी कि सितंबर 2017 के बाद तुम कोई ऐसा कारनामा करोगी करूंगी या ग्रैमी कोई ऐसा कारनामा करोगी ऐसा कारनामा करोगी कि वो कहते हैं ना कुछ चीजें रह जाती हैं कुछ चीजें आपका क्रेडिट बना जाती है सारी जिंदगी के लिए अच्छा ऐसी को अपॉर्चुनिटी अल्लाह पाक आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह सितंबर 2017 अभी है टाइम सितंबर I'm looking forward for September. अच्छा चुप कर जाओ अब बड़े जब बोल ग्रैमी अब चुप कर जाओ शादी इसकी किसी मचोर आदमी के साथ होनी पड़ेगी हम उम्र तो नहीं चलेगा इसके साथ चल ही नहीं सकता इसके साथ कोई भी नहीं चल सकता बंदी बहुत मचोर है आप खुद बता रही है वो आप सुननी कहानी हर चीज के बारे में इतनी डीप थिंकिंग है इतना डीपली जाती है चीजों के अंदर कि मैं कहती हूँ इसको मौका मिलता तो शायद नया पाकिस्तान उधर तो ना बन सका ये बना ये बना लेती बिल्कुल बिल्कुल इतनी डीप थिंकिंग है कि घर में मुझे कोने में गंद होती है ना नजर आ जाती है फिर बेचारी फिर सफाइयाँ लेकिन सारा बड़ी वैसे बड़ी अच्छी बीवी साबित हो ये मैं तुम्हें बता रही हूँ और इसकी बहुत लॉयल्टी खत्म हाँ ठीक है घरदारी मुकेगी खुश नसीब होगा जिससे इसकी शादी और बहू कैसी होगी मैं कह रही हूँ कि उसमें जो सबसे प्यारी चीज है इसके अंदर पेशेंस बहुत ज्यादा मुझे लगता है कपत्ती बहू होगी ससुराल के मामले में तुम बिल्कुल खपती नहीं होगी सिर्फ तुम अपने घर वालों के लिए पैम्पर्ड बच्चा हो नहीं मैं पूरी दुनिया को मतलब सब लोग मुझे कहते हैं सबसे पहले उन्होंने मुझे कहा कि आप इतनी मूडी क्यों हैं ऐसे करके ना तुम्हें मनाया करेगा ना तुम्हारा तुम्हें क्या मसला है तुम्हें अच्छा ससुराल मिल रहा होने वाला मुझे क्या मसला है मसला है कोई मुझे क्या मसला है पर शर्माओ मसला तो लो शर्माओ फिर थोड़ा सा मैं क्यों शर्माओ आंखें नीचे करो ऐसे मेकअप दिखाना मुझे मेकअप का भी काफी शौक हो गया है मेकअप का भी हो गया लेकिन तुम जो भी कर रही हो इट इज वर्किंग वाकई में मेकअप बहुत अच्छा किया है ना बहुत अच्छा थैंक यू कितनी हम लड़कियों वाली बातें करें कोई गाना हो जाए फिर के नहीं अभी लड़कियों वाला लड़कों वाला गाना हो जाए क्योंकि अच्छा मैं लाइव गा रही हूँ अब एक गाना जाम में खो हुस्न की मस्तियां
जाम में घोल कर हुस्न की मस्तियाँ चांदनी मुस्कुराई आपकी ऐसी थी चांद के साए में ए मेरे साकिया तूने ऐसी पिलाई म्यूजिकल वीकेंड शो कितना मजा आ रहा है आप लोगों को। अच्छा भाई अब वक्त आ चुका है सारा से हम गाने तो सुन रहे हैं और लाइव म्यूजिक भी अमेजिंग आई मीन शी इज वन ऑफ द बेस्ट मेरी टॉप 3 लिस्ट में अगर आए तो ये लाइव सिंगर सबसे बेस्ट इसमें आती है। लेकिन अब जरा कहना चाहूंगी कोयल जैसी आवाज, थैंक यू, मीठी आवाज। कोयल सा जायचा भी आप सबका निकाल दे। शुक्र है क्या सारा ने माहौल भी अच्छा और मजा आ गया और शुक्र है सितारे भी मजे करा रहे हैं इस हफ्ते में, तो सितारे भी अच्छे मूड में हैं, पार्टी कराने के मूड में हैं। तो 12 सितारों का हॉरोस्कोप, कोशिश करेंगे कि हम सारा का टाइम ज्यादा से ज्यादा ना लें, इजाजत मेहमान ने खुशी। अरे अरे जरूर। अच्छा हम स्टार्ट लेंगे जी बुर्ज एरीज यानी कि बुर्ज हमल। अक्सर लोगों के पास अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं होता तो जिनके नाम अलिफ लाम एंड और ये इंग्लिश में ए आई यू एल वाई से जिनके नाम शुरू होते हो वो भी एरीज स्टार से अपनी मदद ले सकते हैं। अच्छा जी 15 तारीख से लेके
कम से कम 22 तारीख तक सारी ही डेट्स में सितारे बिल्कुल ठीक हैं, सिर्फ 16 और 17 की जो तारीख है अपनी जॉब में और अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। कुछ भी आपको रात की नींद ना आने की वजह से दफ्तर का काम मुश्किल लगे तो उस पर आपने 2 दिन कंट्रोल करना है। 21, 22 को पैसे भी आते हुए नजर आते हैं। मैं बार बार कह रही हूँ, जो एरीज हजरात शादी के ख्वाहिशमंद हैं या ख्वातीन, तो इस वक्त बेस्ट सोलमेट मिलेंगे उनको। अगला सितारा टॉरस यानी कि बुध सौर, उर्दू में जिनके नाम बे या वाओ, इंग्लिश में जिनके नाम बी या डब्ल्यू से शुरू होते हैं। 15 तारीख और 16, 17 ये तीनों तारीख अच्छी हैं। लव्ड वंस के साथ, घर वालों के साथ, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। 18 और 19 की डेट आपको अपने काम में भी कोई अच्छी चीज दिला सकती है, क्योंकि इस वक्त आपके काम में, आपकी जॉब में और जो लोग बीमार हैं, अल्लाह पाक उन्हें शिफाए कामला अता करेंगे, क्योंकि सितारा पॉजिटिव है। तो ये डेट्स उस चीज में भी अच्छी है। 20, 21, 22 होम लाइफ को भी इंजॉय कीजिए अपने स्पाउस के साथ या अपने बिजनेस पार्टनर के साथ जो मामला तय करने हैं। ये डेट्स बहुत ऐसे हैं, पैसों के मामले में केयरफुल चलना पड़ेगा, ओवरसीज ट्रेवल आ सकता है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए गुड लक का टाइम है, ख्वाहिशात पूरी होने का वक्त है। दोस्तों के साथ पार्टी कीजिए, नए दोस्त एंटर हो सकते हैं जिंदगी में। तो आई थिंक टॉरस के लिए हफ्ता अच्छी खबरें रख रहा है। अगला आ गया जेमिनाय यानी कि बुध जौजा, उर्दू में जिनके नाम काफ और इंग्लिश में जिनके नाम के या क्यू से शुरू होते हो। अच्छा सुंदर जी, इनका तो इस वक्त सबसे मजे में ये चल रहे हैं, 15 तारीख से लेके 19 तारीख तक फैमिली लाइफ, अल्लाह का शुक्र है कि आप ब्लेस रहेंगे, फैमिली की तरफ से कोई इशू बनता हुआ नजर नहीं आता। 20, 21 और 22 जनवरी की जो डेट्स हैं उसमें थोड़ा सा सेहत का ख्याल जरूर रखिएगा, उसको फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा। जो लोग शादीशुदा है थोड़ा सा अपनी शादी में बर्दाश्त से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि सितारा ठंडक डाल रहा है या गलत फहमियाँ पैदा करवा रहा है। आपने उनका शिकार नहीं होना, आपने उसको डिफीट करना है, यही वो गाइडलाइन है जो आपको ATV अपने प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड कर रहा है। तो ये थैंक्स टू सुंदर्स के आपके लिए उसने हॉरोस्कोप का इंतजाम किया हुआ है। कैंसेरियंस यानी कि बुध सरतान, उर्दू में जिनके नाम हे और इंग्लिश में जिनके नाम एच से शुरू होते हैं, पूरा हफ्ता 22 जनवरी तक अल्लाह का शुक्र है कि अगर आप डोमेस्टिक सफर करना चाहते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, घर बदलना चाहते हैं, तो अल्लाह पाक उन चीज़ों में आसानियां पैदा करेंगे। घर को रीडू करना चाहते हैं उसमें भी आसानी पैदा होगी, लेकिन जॉब और सेहत में, अब जिंदगी में परफेक्ट सब कुछ कभी कुछ नहीं होता, कहीं ना कहीं किस्मत टेस्ट कर रही होती है, तो जॉब और सेहत को आपने ख्याल रखना है। बाकी मैरिज लाइफ भी, स्पाउस का कोऑपरेशन रहेगा, बिजनेस पार्टनर का तावन रहेगा, इन आपको भी कोई बाहर का सफर आ सकता है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके साथ गुड लक हो सकती है, जिनके मुकदमे फंसे हुए उनको कामयाबी की नवीद भी सितारे देते हैं। अगला सितारा आ गया बुध लियो यानी कि बुध असद, उर्दू में जिनके नाम मीम और इंग्लिश में जिनके नाम एम से शुरू होते हैं। 15, 16 और 17 जनवरी अपने फाइनेंसेस की कोशिश कीजिए, क्योंकि फाइनेंसेस आप रिकवर करा सकते हैं। 18 और 19 की जो डेट्स हैं, अगर आप नौकरी की तरफ से कोई सफ़र करना चाहते हैं नौकरी के लिए या पोस्टिंग चाहते हैं, तो अपने सारे सोर्सेज लड़ाइए, क्योंकि सितारा हो नहीं सकता आपकी मनपसंद पोस्टिंग ना कराए। अगला आ गया जी वर्गो यानी कि बुध सुंबला, उर्दू में जिनके नाम पे और इंग्लिश में जिनके नाम पी से शुरू होते हैं। 15 तारीख थोड़ी सी ऐसे स्विंग्स, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, आप अपने आप को थोड़ा सा स्लीपलेस फील कर सकते हैं, कोई गल नहीं। 16 से शुरू होने वाला हफ्ता फिर आपके लिए एनर्जी लेके आता है, पैसों की इंशाल्लाह आप पे कमी नहीं आएगी। लव लाइफ में कोई नए रोमांस की भी इंडिकेशन होती है, अपने बच्चों के साइड से खुशियों की नवीद भी मिलती है, शादी वाले हाउस में भी अच्छे सितारे बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि जो शादीशुदा अफराद हैं वो भी अपनी जिंदगी में, और जिनकी होने वाली है वो भी एक अच्छे टाइम में शादी उनकी होने जा रही है। लिब्रा यानी कि बुर्ज मीजान, उर्दू में जिनके नाम रे ते तोय और इंग्लिश में जिनके नाम आर या टी से शुरू होते हैं। 15, 16, 17 जनवरी थोड़ी सी बर्दाश्त से काम लेना है, क्योंकि मूड स्विंग्स, खामखा इरिटेशन, तनाव, ऐसे लगेगा कि लोग मेरे से जेलस हो रहे हैं, लोग मेरे लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं,
इस टाइम को तहम्मुल से गुजारना है. 18 के बाद फिर आप एक एनर्जेटिक उसमें वीक में दाखिल हो जाएंगे. लिब्राज भी और एरीज की तरह लिब्रा का भी मैरिज हाउस बहुत एक्टिव हो गया है और ये भी हो सकता है कि आपको कोई नए बिजनेस वेंचर बिजनेस पार्टनरशिप के साथ ऑफर हो, वो भी आपके लिए अच्छा है. 20, 21 और 22 जनवरी को पैसों की डेट आपके पास नजर आती है. अगला आ गया जी स्कॉर्पियो यानी कि बुर्ज अक्रब. उर्दू में जिनके नाम नून और इंग्लिश में जिनके नाम एन से शुरू होते हैं वो भी स्कॉर्पियो से हेल्प ले सकते हैं. इस वक्त स्कॉर्पियंस की दुआएं बहुत कबूल होंगी. अगले 100 साल की दुआएं मांगे और हमारा नाम लेके भी मांगे प्लीज सारा के. अच्छा जो वीक के इस हफ्ते की जो हालात है 15 तारीख तो माशाल्लाह वहां तक तो आप अच्छे खुश मिजाज नजर आते हैं. लेकिन 16 से लेके 19 तक जनवरी तक ये 4 दिन अपने मूड स्विंग्स को जरा सा कंट्रोल करना पड़ेगा. अप डाउन लोगों पे खामखा गुस्सा तो 4 दिन सिर्फ. 20 से फिर जब आप एक अच्छे वीक में दाखिल हो जाते हैं इस वक्त सितारा आपको अपने फाइनेंसिस को बहुत संभाल के इस्तेमाल करना है. कोई फजूल खर्ची स्कॉर्पियंस आपने नहीं करनी. दूसरा रिश्तों में इंशाल्लाह सिबलिंग्स आपके रिश्ते आपकी स्ट्रेंथ रहेंगे. लव लाइफ में सितारे अच्छे जा रहे हैं. बच्चों की साइड से सितारे अच्छे जा रहे हैं सिवाय ये कि दोस्तों से उम्मीदें नहीं लगानी ज्यादा. अगला सितारा सेजिटेरियस यानी कि बुर्ज कॉस. उर्दू में जिनके नाम फे और इंग्लिश में जिनके नाम एफ से शुरू होते हैं 15, 16 और 17 तीन डेट्स जो है ना सुंदर ये इनको बिजनेस में रिकावटें करियर हाउस में हार्डशिप्स इस तरह का टाइम दे रही हैं. 18, 19 को लेकिन इनका एक सितारा इतना अच्छा हुआ है कि मैं इनको कहना चाहूंगी कि अपनी कोशिश को आपने छोड़ना नहीं है. आपकी स्ट्रॉन्ग डिजायर इस साल अल्लाह ने पूरी कराएंगे तो आपने जो भी आपकी डिजायर है एफर्ट करनी है बरकत उसमें अल्लाह की तरफ से आएगी. अगला सितारा बुर्ज कैप्रिकॉर्न यानी कि बुर्ज जद्दी और इनके साथ ये है कि 15 तारीख और 14 तारीख जो पिछली है गुजरी है पैसे आने की इंडिकेशन है. 16, 17, 18, 19 जनवरी की जो डेट्स हैं वो भी आपके बिजनेस हाउस में आपको फायदा देती हुई नजर आती हैं. नए बिजनेस जंप भी लग सकते हैं. 20, 21 और 22 की डेट्स वो थोड़ी सी मिक्स हो सकती हैं. इस वक्त सितारे बड़े आपको लगेगा हम मेरे से ताउन करते हुए नजर आते हैं इसके बावजूद अभी आप खतरे से निकले नहीं हैं तो सदका देते रहिए अल्लाह से तिजारत करते रहिए ताकि किसी भी बुरी बुलाओं से अल्लाह पाक आपको महफूज रखें. बाकी इंशाल्लाह रिश्ते आपके लिए इस वक्त फैमिली स्ट्रेंथ इज अ ड्यू है. अब रह गए जी 2 ठीक है. आप मुझे तसल्ली देने के लिए पानी भी ला दे सामिया के लिए एक गो में कर रही है. सितारा है यार मैं इंकरेज करना चाहिए मतलब जी. अच्छा जी 11वां सितारा बुर्ज एक्वेरियस यानी कि बुर्ज दिलो. उर्दू में जिनके नाम से सीन शीन और इंग्लिश में जिनके नाम एस से शुरू होते हैं वो भी बुर्ज एक्वेरियस से हेल्प ले सकते हैं. 16 और 17 पैसे आने की भी उम्मीद है. पैसे आते भी इंशाल्लाह रहेंगे लेकिन अखराजात में भी आपको जरा सा चेक रखना पड़ेगा ताकि फजूल खर्ची ना करें. बाहर का ट्रिप भी आ सकता है. किस्मत खुल भी सकती है. किसी भी तरह किस्मत आपको कोई अच्छी जंप लगवा सकती है. 18, 19 और 22 जनवरी तक सारे डेज आपके लिए भी सेफ है. सिर्फ कैप्रिकॉर्नियंस का सितारा वीक है तो वो दोस्तों वाले हाउस में तो स्टे अवे या दोस्तों से ज्यादा उम्मीदें ना लगाएं ताकि आपका दिल ना दुखे. लेकिन मेंटली तौर पे एक्वेरियंस जैसे अपने आप को पीसफुल फील करेंगे. और सबसे अच्छा सितारा तो आपके लिए जाएगा जो है वो आपके नसीब वाले घर के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी भी गुड लक हो सकती है. बाहर पढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है. जो लोग इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं गो हेड अपने काम को शुरू कीजिए. आखिरी आसमानी काउंसिल का सितारा पाइसिस यानी कि बुर्ज कूस. उर्दू में जिनके नाम दाल और इंग्लिश में जिनके नाम डी से शुरू होते हैं 15 तारीख बस थोड़ी सी स्लो है. 16, 17 शुक्र है अच्छे दिन हैं. लेकिन इस वक्त आपको जो शादी के ख्वाहिशमंद है बहुत सारे रिश्तों की ऑफर्स आने के चांसेस हैं लेकिन फैसला बहुत सोच समझ के करना है. और अगर निकाह करना मजबूरी है तो मेरी बात माने मई के बाद जब चाहे कर लें उससे पहले ना कीजिएगा. 18, 19 पैसे आने की इंशाल्लाह आपके पास उम्मीद है. जुपिटर खाना माल में है. आपकी माली कामयाबियाँ इस साल जारी रहेंगी. अल्लाह आपके ऊपर अपना करम रखें. सिर्फ जो पाइसेस बिजनेस में है बहुत ध्यान से. कोई नया बिजनेस आपने भी तजर्बा नहीं करना.
एक साल जो है जस्ट गो विद द फ्लो, अगला साल आपके नए बिजनेस वेंचर का होगा। सितारे भी आप लोगों ने सुन लिए, तो सारा की आवाज में खूबसूरत सा गाना हो जाए। सच्चा रंग इश्क दा बाकी सब झूठे, एक बारी लग जावे लग के न छूटे, रंग ले आ दिल मेरे यार के रंग में, बिन तेरे मर जाना जीना तेरे संग में, तू भी कभी हंस के बोले ¡Gracias!
वो मुझे ना म्यूजिक हमेशा से अच्छा लगता था. जिंगल सारे याद कर लेती थी, सारे गाने मुझे याद हो जाते थे. तो यू नो फिर इस तरह से जब भी पूरी पूरी फैमिली में कोई था कभी? नहीं, कोई भी नहीं था. यही तो इसका वो है. कोई फैमिली में नहीं गुजरा सिंगर? नहीं, सिंगर कोई नहीं गुजरा. सोचो मेरी तरह, मेरी सात नस्लों में कोई नजूमी नहीं गुजरा. तो ये देखिए, वो बस एक ही को अल्लाह टैलेंट देता है. क्योंकि मैं नातवा हूँ, बेसिकली मैं नातवा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. तो बचपन पाक के नाम के नामी नामी के सदके है जो भी इज्जत है हमारे पास. तो मेरे अबू भी नातवा थे, लेकिन घर में जैसे कोई पढ़ता है ना वैसे. तो फिर आया है ना अब्बास से, वोकल टोन था उनका. लेकिन ये है कि he never took it professionally और he couldn't take you know any opportunity. अच्छा मुझे बताओ सारा quickly before leaving, because वक्त कम है, मुकाबला सकते हैं. कोरिया के अंदर जो तुमने perform किया, and South Korea में, it was the first time कि किसी पाकिस्तानी singer ने किसी पाकिस्तानी singer का show हुआ. because आपको पता है कि दुनिया भर में बाकी पड़ोसी मुल्क के shows तो होते ही रहते हैं, लेकिन ये है कि पाकिस्तानी show होना, अपना पूरा orchestra के साथ होना और hall house full होना, it's a big thing. तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने दो दफ़ा किया साउथ कोरिया में, और मुझे क्रेडिट मिला कि पहला कोई पाकिस्तानी सिंगर वहाँ पे गया. और मज़े की बात ये हुई कि जब उन्होंने देखा कोरियंस ने कि ये तो यार हॉल फुल हो गया, पता नहीं ये कोएक्स में हो क्या रहा है, वहाँ का बहुत खूबसूरत ऑडिटोरियम है. तो उन्होंने फिर एक प्रॉपर हमारा इंटरव्यू प्लान आउट किया, और वो उनका वाहिद एक चैनल है जो किसी का उन्होंने कभी इंटरव्यू नहीं किया, इंग्लिश चैनल है एक ही. और उन्होंने हमारे साथ दो घंटे का इंटरव्यू किया, एंड इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस मोमेंट नॉट फॉर मी बट फॉर पाकिस्तान. इनफैक्ट उसके फौरन बाद चाइना के लिए जो हमने परफॉर्म किया. थैंक यू चाइना में भी, और इवन USA में भी जो मैंने शोज किए वो मेरे लिए शायद खास होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अपने पूरे बैंड के साथ जाके रजिस्टर करना सिर्फ इसलिए था कि जब कल को वो किसी भी और आर्टिस्ट को बुलाएंगे तो उनको पता होगा कि पाकिस्तान से ऐसे लोग भी आते हैं जो प्रॉपर शो करने आते हैं. एक बात है सुंदर, कि इस बच्ची का करियर मेरी आंखों के सामने सामने शुरू हुआ जब से मैं भी टीवी पे कदम रखा, और माशाल्लाह मेरे सामने सामने सारा आज एक स्टार बन चुकी है. थैंक यू सो मच. आपको देख के लव को और तरक्की, और इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहो, प्यारी प्यारी रहो. और मेरी घड़ी अब वापस कर दो, बहुत हो गई है. बहुत हो गई है, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा. थैंक यू सो मच. प्लीज थैंक यू ऑडियंस. तुम लोग वो लड़की अब हंसी है, अब हंसी हंसी थैंक यू सो मच. और क्लोजिंग पे जाने से पहले सारा की आवाज में बहुत ही खूबसूरत सा गाना, आप की तालियां होंगी. बहुत शुक्रिया. आई लव बीइंग हियर. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. आई आज अपने आने पे मैं चलांगी पखिया फिर पड़ा कुछ कहण गिया अखिया माही आवेगा मैं फुला नल तरती सजावांगी अज
अजी सोचनी आ की गल कहनी है अजी सोचनी आ अजी सोचनी आ की गल कहनी है ओने तकड़े ते होश कदों रहनी है कुंड काट के मैं आपे शर्मावांगी कुछ कहंदी कहंदी चुप कर जावांगी चलांगी पखियां फिर पड़ा कुछ कहण गिया अखियां माही आवेगा मैं फुला नाल तरते सजावांगी हाथ जोड़ के मैं उनु समझावांगी हाथ जोड़ के मैं जोड़ के मैं उनु समझावांगी मुख मोड़ेगा ते थां मर जावांगी मेरे प्यार दिया कसमां खावेगा दिल हौले हौले डुब डुब जावेगा चलांगी पखियां फिर पड़ा कुछ कहण गिया अखियां चलांगी पखियां फिर बड़ा कुछ कहण गिया अखियां चलांगी पखियां